हेलो एवरीवन, मैं हूं बादल मिंज और फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, इस वीडियो में बहुत मजेदार चीज सीखने वाले हैं। और दोस्तों आप अगर वीडियो को लाइक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक बंडल जो रड़ होता है, एक बंडल रड़ में कितने पीस हम लोग का रड़ होता है, वो चीज हम लोग जानने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक देखिए। दोस्तों हम लोग का जो बार होता है, टीएमटी बार होता है, जो रड़ बोलते हैं, उसका अलग अलग साइज का बार आता है। जैसे कि 8 mm का रड़ आता है, 10 mm का, 16 mm का, 16 mm का, 20, 25, 32, ऐसे होके हम लोग का रड़ इतना एमएम में हम लोग का रड़ साइज होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोग का होता है, मान लीजिए हम लोग का 8 mm रड़ में, 8 mm रड़ में हम लोग का जो एक बंडल होता है, रड़ पर बंडल 8 mm का बंडल होता है, जो 8 mm रड़ का जो बंडल होता है उसमें हम लोग का 10 पीस हम लोग का रड़ होता है। समझ गए दोस्तों। और जैसे हम लोग का हो गया 10 mm का रड़, 10 mm का रड़ में हम लोग का होता है 7 पीस, हम लोग का 7 पीस हम लोग का रड़ होता है। उसी तरह 12 mm में 5 पीस, 16 mm में 3 पीस, ऐसे करके 8 mm का रड़ 10 बंडल मतलब एक बंडल में 10 पीस है। तो हम लोग का 10 रड का वेट होता है हम लोग का दोस्तों इतना 47.407 kg। समझ गए दोस्तों। आप सबको दिखाता हूं कि 47.407 kg कैसे हुआ। दोस्तों हम लोग का एक फॉर्मूला है, जैसे कि d² / 162, ये हम लोग का होता है रड का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से हम लोग वेट निकालेंगे कितना वेट है। दोस्तों और एक बात बता दूं, इस रड का साइज के बारे में और अच्छा एक वीडियो बना चुका हूं मैं, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर देख सकते हैं, आई बटन है उसको क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए d² / 162, d हम लोग का होता है डाया, डाया होता है हम लोग कितना 8 mm का स्क्वायर, मतलब मान लीजिए 8 × 8 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि 8 × 8 तो हम लोग लेंथ, हम लोग का बार का लेंथ कितना आता है दोस्तों, एक रड होता है हम लोग का 12 मीटर, कितना होता है 12 मीटर का हम लोग का एक रड आता है। तो हम लोग इसको इंटू कर देंगे 12, हम लोग का कितना एक मिनट में कितना रड है दोस्तों, 10 है, तो इंटू कर देंगे इसको भी 10/162। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन करेंगे इसको हम लोग, तो हम लोग का निकल जाएगा दोस्तों 47.407 kg हम लोग का निकल गया। जो हम लोग का केजी में निकला है कि हम लोग का 8 mm रॉड का बंडल एक बंडल में हम लोग का आता है 47.407 kg एक बंडल में हम लोग का रड आता है। आई होप कि दोस्तों आप समझ गए। उसी तरह हम लोग करेंगे 10 mm का, 10 mm का भी सेम दोस्तों, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इसको हम लोग हटा देंगे, इसको 10 में 10 कर देंगे, इसमें 10 हो जाएगा, जो लेंथ है 12 तो 12 रहेगा, और हम लोग जो पीस होता है कितना 7 कर देंगे। तो इसका भी हम लोग का निकल जाएगा दोस्तों 51.851 kg। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि हम लोग कैसे निकल रहा है। इसी तरह से हम लोग जितना भी हम लोग का बंडल में हम लोग वेट निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला। अब इसको जान गए, बताने वाला हूँ वेट वेरिएशन या फिर वेट टॉलरेंस। जैसे कि आईएएस कोड के हिसाब से हम लोग का 1786 से 2008 के बीच में हम लोग का मेजरमेंट किया हुआ है। 10 mm से 10 mm का हम लोग का होता है 7% इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो आप सबको बताने वाला हूँ 10 mm का, 10 mm हो या फिर 10 mm का हो, 10 mm का रड में हम लोग कितना केजी निकला है, 47.407 kg निकला है। तो उसका हम लोग निकालेंगे 7%। तो आइए दोस्तों दिखाता है कैसे करते हैं। 7% अब इसका निकालेंगे 47.407 into 7
7% मतलब हम जानते हैं उसका 100। इसका अब निकालेंगे दोस्तों हम लोग कितना होगा, निकालेंगे इसका तो इसका निकलेगा 3.318। हम लोग का इतना निकल गया, इसका 47.407 का हम लोग का परसेंटेज 3. इतना निकला, इसका 7% हुआ इतना। दोस्तों अब इसको हमको प्लस करेंगे इसी से तो कितना निकलेगा उसको जान जाएंगे कि कितना हम लोग का इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग प्लस करेंगे 47.407 से हम लोग प्लस करेंगे 3.318। हम लोग का निकला 50.725। इतना हम लोग का इंक्रीज हो सकता है। और हम लोग निकालेंगे और प्लस किया भी माइनस करेंगे दोस्तों 47.407 माइनस 3.318। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हम लोग का निकलेगा दोस्तों 44.089। हम लोग का जो बार होता है जो 8 है उनका रड होता है वो हम लोग का अप्रोक्सीमेटली माइनस प्लस 44.089 केजी हो सकता है या फिर 50.725। इतना का बीच में होना चाहिए दोस्तों हम लोग का जो केजी होगा तो इतना का बीच में होना चाहिए 50.725। इससे ज्यादा केजी तो नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है, 44 केजी से कम हो सकता है हम लोग का बार लेकिन ज्यादा तो होगा नहीं क्योंकि होता नहीं है। तो हम लोग का 44 to 50 केजी के अंदर हम लोग का बार होना चाहिए दोस्तों। इसी तरह हम लोग 12 mm का 16 mm का इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हम लोग का वेट होना चाहिए। दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ कि अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।